तो गाइस नई मशीन की टेस्टिंग हम लोग ने चालू कर दिया पचकन इसका। अगर गलती से आपके हाथ से छूट भी गया तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिक 15 मिनट पे हम लोग ने सेट कर दिया, मशीन घूमना चालू हो गई है। सो गाइस वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम लोग ने ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका है, हम लोग ने वोल्टास की 9 kg की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मंगाई है जो कि मेरे पीछे है रखी हुई ब्लैक कलर में, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ डिटेल फीचर्स जो मुझे पता चले वो सब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो चलते हैं मशीन की तरफ। सो गाइज आपके सामने ये जो है ये 9 kg की वोल्टास देखो। सो गाइज मशीन के साथ में आप लोगों को ये ड्रेन पाइप मिल जाएगा और ये है वाटर इनलेट पाइप और ये जो स्पिनर का टब है उसके अंदर कपड़े जो सुखाने डालते हो आप उसके ऊपर ये कैप बैठता है ताकि कपड़े अच्छे से टाइट बैठ जाए अंदर, तो ये कैप मिलेगा आपको उसके साथ में। और ये इसका ऑनर मैनुअल जो कि आप पढ़ के इसके बारे में और भी डिटेल्स जान सकते हैं। सो गाइस ये 5-स्टार रेटिंग वॉशिंग मशीन है और इसके बारे में और भी डिटेल्स दिया हुआ है, अप्लायंस वॉशिंग मशीन ब्रांड वोल्टास बेको मॉडल ईयर तो 2024 का है मॉडल, ये टाइप है जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, लोड कैपेसिटी मतलब 9 kg की इसकी वॉशिंग कैपेसिटी है जो टब दिया हुआ है इसका वॉशिंग का, वाटर कंजम्पशन 20 लीटर। सो गाइस नई मशीन की टेस्टिंग हम लोग ने चालू कर दिया, पानी भर रहा है और सल डाल दिए, पानी की सेटिंग हम लोग ने मीडियम पे रखे हुए, इसकी ब्रांडिंग जो दी हुई नेम इसका वोल्टास बेको इधर पे है, इसकी 9 kg की कैपेसिटी है वॉश टब की जिसमें अभी पानी घूम रहा है कपड़े घूम रहे और ये प्रोडक्ट है टाटा का और इसको हम लोग ने स्टार्ट करने के टाइम पे वॉश टब सिलेक्ट किए तो पानी इसके अंदर भर गया पहले, उसके बाद में हम लोग ने सर्फ डाले कपड़े डाले और उसके बाद में ये जो टाइमर है 15 मिनट का टाइमर सेट किए तो ये इसका जो पल्सुलेटर वो घूमना चालू हो गया है तो अच्छे खासी स्पीड में घूम रहा है क्योंकि हम लोग ने हैवी पे रखे। इसका जो मोड है 4 मोड दिए हुए इसमें, डेलिकेट मोड, जेंटल मोड, नॉर्मल मोड, हैवी मोड। डेलिकेट काहे के लिए रहता है, जो सिल्की कपड़े रहते हैं एकदम मतलब अच्छे कपड़े बच्चे लोग के कपड़े रहते हैं उसके लिए डेलिकेट है, जेंटल भी वही टाइप के जो कपड़े रहते हैं थोड़े नॉर्मल जो अपना कॉटन का कपड़ा हो गया दूसरे कपड़े हो गए उसके लिए, हैवी वॉश जैसा जीन्स वगैरह धोने का आपको तो उसके लिए हैवी वॉश लगता है। और ये जो है ये ड्रेन सिलेक्टर इधर पे लिखा हुआ है, ड्रेन सिलेक्टर अभी वॉश पे है तो पानी इसमें भरेगा, ये मोड पे रखेंगे तो पानी इसमें भरेगा और इसको ये घुमा के ये ड्रेन पे कर दूंगा तो जो पानी अभी गंदा हो चुका है ये निकालना है तो हम लोग को इसको बटन को ड्रेन पे मूव करना पड़ेगा तो जो अपना पानी है जो ड्रेन पाइप से जा रहा है तो पानी इसमें से गंदा पानी निकल जाएगा जब इसको हम लोग ड्रेन पे डालेंगे। और ये स्पिन टाइम आपके जो कपड़े इसमें धुल जाएंगे पूरी तरीके से और पानी ड्रेन कर लोगे आप तो आपके जो कपड़े निकलेंगे वो इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाने के बाद में वो जो कैप मैंने आपको बताया था वो कपड़े के ऊपर एकदम फिक्स टाइट बैठेगा ये वाला कैप जो है और उसके बाद में ये ढक्कन बंद करके आपको ये ढक्कन भी बंद करना है। उसके बाद में स्पिन टाइमर जितना आप टाइमर सिलेक्ट करोगे 2 मिनट का 4 मिनट का 6 का 8 का 10 का वो हिसाब से आपके कपड़े अच्छी तरीके से सूखेंगे, जितना आप टाइमर ज़्यादा सेट करोगे जितना आप कम रखोगे तो उतना मॉइस्चर उसमें रह जाएगा कपड़े में। जो नॉइज़ है जो कपड़े धुल रहे इसके अंदर इसमें इतना नॉइज़ आएगा, हल्का नॉर्मल नॉइज़ है ये, इतना नॉइजी रहेगी मतलब ये वॉशिंग मशीन धुलने के टाइम पे। और इसमें कम से कम हम लोग ने मीडियम पे वाटर सेलेक्ट किए थे, वाटर पूरा भरने के बाद में सर्फ वगैरह ऐड करके जो कपड़े डाले 10 से 12 कपड़े डाले हम लोग ने इसके अंदर धोने के लिए और 15 मिनट के टाइमर पे सेट किए। अपना टाइमर इधर पे 0 पे आ चुका है, इसके लिए ये बजर सिस्टम है इसमें तो इसके लिए अलार्म बज रहा है, बहुत ही अच्छा खासा ज़ोरदार अलार्म बज रहे हैं। सो गाइस अलार्म बज के मशीन अभी अपनी स्टॉप हो चुकी है, इसका ढक्कन खोल के दिखाता हूँ आपको मैं, ये रहा इसका गंदा पानी। अब इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे ड्रेन पे क्योंकि मुझे अब इसका गंदा पानी निकालना है, ये ड्रेन पे डाल दिया हूँ मैंने। अब जो पानी है इसका वो आस्ते आस्ते कम होते रहे, आपको पानी कम होते यार अभी इसमें। सो गाइस इसका जो ये लीड कवर है जो ढक्कन है इसका अगर गलती से आपके हाथ से छूट भी गया तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिकली स्लोली डाउन हो जाएगा, इसमें ये सिस्टम दिया हुआ है ताकि आपका जो लीड है कवर ऊपर का ये पैनल ये डैमेज नहीं हो गए। सो गाइस आप
कोई भी वोल्टास की वॉशिंग मशीन लोगे तो उसमें जो वारंटी मिलेगी वो 2 साल की पूरी वॉशिंग मशीन पे मिलेगी, और जो 5 साल की वारंटी जो लिखा हुआ है इधर पे ऑन बोथ मोटर, मतलब आपकी जो वॉशिंग की मोटर है, वॉशिंग टब की जो मोटर है उस पर भी 5 साल की वारंटी, और ये जो स्प्रिंग टब है इसकी भी 5 साल की वारंटी, दोनों मोटर की मतलब 5-5 साल की वारंटी है। इसमें आपका कुछ भी अगर प्रॉब्लम होएगा ये दोनों 5 साल के पीरियड में दोनों मोटर में, तो दोनों मोटर रिप्लेस या रिपेयर होके मिलेगी। उसको साइड में जो ये दिया हुआ है ये कैसेट फिल्टर है, निकलता भी है, इसको निकाल के हम लोग साफ कर सकते हैं। इसके अंदर आपके जो कपड़ों में लिंट रहता है, जैसे ये कपड़ा है इसके अंदर जो धागे धागे रेशे निकलते वो सब ये कैसेट फिल्टर में जाके कलेक्ट हो जाता है। तो ये आप लोग हर वॉश के बाद में खोल के इसको साफ करके लगा सकते हो वापस। ऐसे फिल्टर दो दिए हुए इसमें, एक इधर पे है और दूसरा इधर पे। और ये इसका वाटर लेवल सिलेक्टर, मीडियम पे रखना है आपको, हाई पे रखना है या लो पे रखना है, जितने पे रखोगे उतना लेवल आएगा। आपको वाटर मैन्युअली बंद करना है जिधर पे आपका पाइप कनेक्ट है, इनलेट पाइप। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका कुछ क्वेरी रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर मेरे को कुछ मालूम रहेगा उसके बारे में और भी कुछ डिटेल रहेगी मेरे पास तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो चले मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।